नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेंद्र कुमार मौर्य। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप या टाइप करें www.kmasnews.com। ये दिखाते हैं आपको दिन भर की बड़ी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबर जौनपुर से है। सांसद ने किया बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन। जी हां, बता दें आपको, मछलीशाह लोकसभा सांसद बीपी सरोज ने जौनपुर के मुफ्तीगंज ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा पौनी में भारतीय जनता पार्टी उप कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसके दौरान उन्होंने एक छोटी जनसभा को संबोधित कर मोदी तथा योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, जिसके बाद श्री सरोज ने प्रेस वार्ता भी की, जिसमें बेहिचक अंदाज में दो टुक भी कहा। देखिए यह रिपोर्ट। यहाँ विपक्ष कह रहा है कि किसान पर सरकार एमएसपी पर जो है एमएसपी खत्म करना चाहती है, किसान विरोधी है। वही सरकार के मुखिया कहते हैं कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है। अब ये तो वो नजरिया हो गया कि जो एक आम आदमी के नजरिए से अगर देखा जाए तो स्थितियाँ स्पष्ट होती नहीं दिख रही। आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या कुछ चल रहा है दिल्ली में, क्योंकि आप उसी सदन के मेंबर हैं। देखिए, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस समय जो भी चल रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है और देश जो है उनके कार्यकाल को देख रहा है और उनकी बातों को सम्मान रहा है, कि जैसे मैंने अभी कहा आप लोगों के बीच में कि बिना कोई भेदभाव का काम किया जा रहा है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पहले ही अपने एजेंडे में कहा था, एक मिनट आप रुक जाइएगा, कहा था कि मैं किसानों की आय को दुगनी करूँगा। तो दुगनी करने के लिए उसी दिशा में वो प्रतिबंध हैं और जो है वह कार्य किया जा रहा है। और एमएसपी चाहे मंडी की बात करते हों, जो विपक्षी वहाँ शाहीन बाग में या दिल्ली में जहाँ भी धरना देते हों, धरना दे रहे हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा कि वह जो दूसरे विपक्षी हैं, जो राजनीति से प्रेरित हैं, ऐसे लोग हैं। किसान तो अपने खेतों में काम कर रहा है, उसको सारा फायदा मिल रहा है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे अन्य प्रकार से उनको, पहले आप 2014 के पहले गेहूं, चावल, ज्वार, चना, मटर का भाव क्या था, आज उससे डबल हुआ, डेढ़ा हुआ कि नहीं हुआ, और पहले ही निर्धारित भाव हो जा रहा है। जैसे अभी धान हमारे लोगों ने बेचने का काम किया 1868 में, इसके पहले तो 1000 रुपये में धान बेचता था, किसानों को कर केंद्र खोले गए, गेहूं का निर्धारित मूल्य हो गया 1925 रुपया। और ऐसे हर जो है दलहन हो और जो खाद्य सामग्री है सबका जो है निर्धारित मूल्य हो गया है। और यह बिल जो लाया गया है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सदन में खड़े होकर के, विपक्षी थे उसमें हर दल के लोग वहां मौजूद थे, उनके बीच में ये कहने का काम किया कि यह बिल जो लाया गया है किसान के हित में लाया गया है। अगर किसी को लगता है कि इससे उसका नुकसान हो रहा है तो इस बिल को किसी के ऊपर थोपा नहीं जा रहा है। ये तो एक ऑप्शन उन्होंने लेकर के आया है कि जिसको अच्छा लगे ले लो, नहीं अच्छा लगे मत लो। हर बार एक नया बिल लाया जाता है और हर बार राज्यसभा, भाई लोकसभा बना है, देश है, राज्यसभा बना है, बिल तो हमेशा आता रहेगा, देश के हित के लिए आता रहेगा। ये तो जो भी सरकारें बनेंगी सबके लिए बिल आता रहेगा। सांसद जी, पिछले 2 वर्षों से 2 नए बिल आए, हाँ, एनआरसी सीए का मुद्दा रहा, हाँ, अच्छा है ये किसान बिल का रहा, हाँ, ये 2 वर्ष। अब एक बात भाई, आप एनआरसी अराजकता हो रही है, हाँ, नहीं देखिए अराजकता कौन फैला रहा है, जब जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश समृद्ध हो रहा है, खुशहाल है, आगे बढ़ रहा है, और विपक्षियों को कहीं जब एकजुट भी हो गए, सारे विपक्षी एक साथ हो गए, उसके बाद भी जनता ने उनको लाइक नहीं किया और पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने का काम किया। अगर मेरी बात सुन लीजिए, पहले जब आपने क्वेश्चन किया है तो उसको सुनने का काम करिए। आपको मैं एक बात बताऊंगा कि जब ये पूरे एकजुट हुए सभी
विपक्षी, और पूरे देश की जनता ने कहा कि नहीं विपक्षी बहुरूपीय हैं और इनके ऊपर भरोसा ना करके प्रधानमंत्री जी को दूसरी बार जो है पूर्ण बहुमत में भरोसा देने का काम किया, तो जनता सर्वोपरि है कि ये बहुरूपीय सर्वोपरि है? आगामी चुनाव के लिए कोई संदेश? नहीं, आगामी चुनाव के लिए मैं कह रहा हूँ कि जिसके जो है नेतृत्व में देश और प्रदेश मजबूत हो, देश के लोग आगे बढ़ें, गरीब मजदूर किसान नौजवान आगे बढ़ें, इनकी चिंता जो करें उसको आप लोगों